हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, जैसे ही हम लोगों के सामने पैंडेमिक नाम की या फिर कोरोना वायरस नाम की प्रॉब्लम निकल करके आई, द होल वर्ल्ड केम टू द कंक्लूजन कि लॉकडाउन इज़ वन वे टू सॉल्व इट। यानी अगर इस सिचुएशन से बचना है, इस पैंडेमिक से बचना है, तो कंट्री के अंदर लॉकडाउन कर देना चाहिए। और होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ में अलग अलग कंट्रीज़ ने लॉकडाउन को इम्पोज भी किया। बट अब ये जो लॉकडाउन है, अगर इसको कहीं बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट किसी लोकलाइज अगर लॉकडाउन सिचुएशन में इसको इम्पोज करना पड़े, जैसे किसी सिटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो लॉकडाउन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट अगर इसको होल कंट्री के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर इम्पोज किया जाए, तो ये एक बहुत बेकार स्ट्रैटेजी हो जाती है। हाँ, अगर एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, इस तरीके की कोई सिचुएशन बना के, एक स्पेसिफिक टाइम दे के इसको लगाया जाए, तो लोगों को चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में खुल जाएगा। बट फर्दर टाइम में अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। आज देखने को भी मिल रही है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और जॉब्स के कोई चांसेस ही नहीं है। सी, हमारी जो लाइफ है ना, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर मैं मेजर थिंग की बात करूँ, यानी अगर हम लोगों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए घर से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, यानी तभी तो खाएंगे ना, कमाएंगे तो खाएंगे। और इसीलिए जॉब्स, बिजनेस, जितने भी काम हैं, सब घर से बाहर जाकर के किए जाते हैं। और लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं कि आप लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है। और इसी के चलते जो हमारा फंडामेंटल फ्यूचर है ना, यानी जॉब्स, बिजनेसेस, ये सारे ठप हो जाते हैं, कुछ एसेंशियल को छोड़ करके, जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल लाइन हुई, या फिर जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ को सेल परचेस करने वाले हैं उनको। बाकी इससे अलग जितने भी काम होते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एक हफ्ता, एक महीना या एक साल के लिए हुए हैं, वो फ्यूचर के लिए बर्बाद हो जाते हैं। यानी आपकी जो जॉब छुट्टी है, नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस रुक गया, वो नहीं चलेगा दोबारा उस तरीके से, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। दोस्तों, इसी चीज़ के चलते हम लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम आई है निकल करके, हॉस्पिटैलिटी को लेकर के। यानी हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, उसका क्या कारण बन चुका है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी। अभी जो हॉस्पिटैलिटी है ना दोस्तों, एक अंदाजे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में 65% जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई है। यानी जिसके अंदर होटल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं। 65% का मतलब ये है, अगर पहले वो 100,000 करोड़ रुपीज़ कमाती थी, तो सिर्फ अब वो 65,000 करोड़ रुपीज़ ही कमा पाएंगी। यानी ये जो 65,000 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस हुआ है ना, ये हमारी इकोनॉमी से गायब हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इतना। सेकेंड, अब होटल की ऑक्यूपेंसी रेट की बात करूं, तो 18% रूम ऐसे हैं जो सिर्फ अवेलेबल हैं, बुकड हैं। बाकी के जो 82% रूम बचते हैं, वो सिर्फ खाली पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जा सकता है। आप सोच सकते हो कि 50% से भी कितना नीचे पहुंच चुका है ये। और NRAI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 40% से भी ज़्यादा जो होटल्स, रेस्टोरेंट थे, वो बंद हो चुके हैं। 40% बंद होने का मतलब ये हो जाता है कि मिलियंस करोड़ जॉब जा चुकी हैं, यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब आपने दूसरी कंट्रीज़ में देखा होगा होटल, रेस्टोरेंट खुले हैं वहाँ पे, तो उसका क्या कनेक्शन है? दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन है वैक्सीनेशन से। यानी जिस कंट्री ने कंप्लीट वैक्सीन कराई है, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी खुले हैं, होटल्स भी खुले हैं। जिस कंट्री के अंदर वैक्सीन को पूरा नहीं किया गया, कंप्लीट नहीं किया गया, वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुले हैं। यानी अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, तो 4% लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीट डोज मिल पाई है अभी तक। और अगर देखा जाए, तो जब तक ये 50-60% तक नहीं पहुंच पाएगी डोजेस, तब तक यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें और चीज़ों का खुलना भी बहुत मुश्किल है। पोस्ट रीओपनिंग 2020, यानी 2020 में जो लॉकडाउन था, उसके बाद से हॉस्पिटैलिटी यानी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खुल रहे थे धीरे धीरे। जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस थी, उससे कंपाइल्ड भी थे, उसी के तरीके से चल रहे थे। होता क्या है दोस्तों, वैसे ही 2021 का जो लॉकडाउन था, उसने इनको इतनी हिट दी। मैंने आप लोगों को बताया कि 40% जो रेस्टोरेंट थे, वो तो पहले ही बंद हो चुके थे। बट जैसे ही लॉकडाउन के बाद खुले यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट, क्या था ना, बिगनिंग के कुछ टाइम पीरियड मिला था 20 का, कुछ लास्ट का जो टाइम पीरियड, यानी 6 मंथ समथिंग लगा करके, वो जैसे कैसे करके अपने होटल, रेस्टोरेंट को चला रहे थे। बट देन क्या होता है, फिर से लॉकडाउन हो जाता है, सेकेंड वेव आ जाती है, फिर से उनकी वही कंडीशन हो जाती है जो पहले थी। वो 40% तो जा चुके हैं, और अभी कोई ऐसा डेटा नहीं मिला है कि कितने और जाने वाले हैं आगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, गवर्नमेंट ने भी इनके लिए कोई पैकेज नहीं बनाया है। अब यहाँ पे आप देखोगे, स्वैगी और जोमेटो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे फूड एग्रीगेदर्स हैं, जिनके चलते कुछ यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट खुले हैं, जिन्होंने घर पे जाके डिलीवरी की है। और यहाँ पे जोमेटो का ये कहना है कि हम लोगों का जो कोविड से इम्पैक्ट हुआ है, वो पॉजिटिवली हुआ है। यानी लोग घर से बाहर तो नहीं जा रहे थे, तो इसलिए फूड की डिलीवरी कहाँ हो रही थी, घर पर हो रही थी।
तो इसीलिए सभी लोगों ने अपने घर पर डिलीवरी कराई और घर पर ही खाया। तो इसी के चलते कुछ होटल कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जो खुले, भले ही लॉस में चले लेकिन उन्होंने चलाया अपने आप को। एग्जैक्टली आप देखोगे जो वहाँ पे पास में बैठने वाले जो टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं वो वाला सब सीन खत्म हो गया था। रेस्टोरेंट थॉमस फैन ने भी यहाँ पे बताया कि जो स्वैगी जोमैटो होते हैं ये 30-40% कमीशन लेते हैं, इसलिए जो इनका इम्पैक्ट पड़ा है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का इनके ऊपर, बट कोविड का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है ना बहुत ही बैडली पड़ा है, यानी जो लॉकडाउन का ये सिचुएशन बनी इसने हम लोगों को खत्म करके रख दिया। अब देखोगे 2021 में जब बजट सेशन आया था तो सभी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया, इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ हम लोगों के लिए भी आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी इस बजट सेशन में कुछ मिलेगा हम लोगों को जिससे हम लोग भी रिलीफ कर सकें, बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लगता है जैसे सरकार की इनके ऊपर नज़र ही नहीं गई, आत्मनिर्भर होने के लिए इनको छोड़ दिया गया कि तुम अपनी आत्मा पर निर्भर हो जाओ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, जबकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई लोन मिलेगा, कुछ टैक्सेस माफ़ हो जाएंगे, कुछ ऐसे कुछ रिलीफ मिलेगा जिससे हम दोबारा से फिर उनको एक्सटेंड कर सकेंगे, उनको खड़ा कर सकेंगे, स्टैंड कर सकेंगे। अब आप देखोगे जितने भी सेफ्स हैं जो सर्विसेज कर रहे थे, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे थे, अब वो 40% तो वहाँ से लॉस हो गया, अब वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, यानी कितना सारा एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया और सरकार की इसके ऊपर नज़र तक भी नहीं गई है। इसका एक आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में बाहर जाते थे, कुछ आप लोगों को रोड के साइड में गोलगप्पे वाले या कुछ छोटे रेस्टोरेंट होटल्स मिल जाते थे खुले हुए, शायद अब वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि घर से बाहर नहीं जाएंगे लोग, अब घर से बाहर जाएंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, तो लीगल तरीके से काम करना होता है लॉकडाउन के चलते भी, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। यहाँ से देखोगे कि मिलियंस ऑफ जॉब जा चुकी हैं, मिलियंस ऑफ जॉब जाने वाली है, यानी 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे अब और देखने को मिल सकता है कि और भी होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। तो इसीलिए सरकार को, गवर्नमेंट को इनको डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये फिर से सर्वाइव कर सके, ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, यानी जिसके पास फाइनेंस नहीं है उसको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, टैक्सेशन को थोड़ा माफ़ करना चाहिए, इसका एक यही सॉल्यूशन है। यानी बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट में ये भी अपना हिस्सा ना लें, अपना शेयर ना लें, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ लेकर के आनी चाहिए जिससे इन लोगों को भी रिलीफ मिल सके। और दोस्तों यहीं से आप देखना आप कि लॉकडाउन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों की लाइफ पे, कि कुछ भी जो जॉब्स हैं बिजनेसेस हैं वो जा चुके हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी जॉब्स गई है लेकिन उनकी काउंटिंग फिर भी नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट का प्रोसेसर है उसमें तो कुछ लोगों का नाम देखने को भी नहीं मिलेगा कि ये भी बेरोजगार हुआ है, बट एक्चुअली में हर इंसान बेरोजगार हो चुका है। तो इसीलिए मैंने बोला था अगर लॉकडाउन को 2-3 हफ्ते के लिए किया जाए तो शायद चीज़ें समझ में आती है कि इमरजेंसी है कोई, लॉकडाउन ठीक है, बट अगर ये ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है फर्दर टाइम के लिए तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।